हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का वीडियो जो हमारा है बिल्कुल हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं उनसे अलग होने वाला है, बट रिलेटेड जो है हमारा वो बाइक से ही है, ऑटोमोटिव से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ये स्कूटी का टायर और मैंने इसको क्या बना रखा है आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने मतलब जो भी पार्ट्स आपके ख़राब हो जाते हैं बाइक्स के या फिर ऑटोमोटिव के, तो उनको आप लोग या तो फेंक देते हैं या फिर आप उसको कबाड़ में सेल आउट कर देते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं अपने पार्ट्स कभी सेल आउट नहीं करता, ना ही मैं उनको फेंकता। मैं उनको कोशिश करता हूँ रिसाइकिल करने की और दोबारा से यूज़ करने की। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्कूटी का ये टायर है, मैंने इसको किस तरह से अपना क्रिएट करके इसको एक वॉल पेंट बना रखा है। मैं इसको वॉल पे टांग देता हूँ और जैसे कि आप इस पॉकेट देख सकते हैं मेरे पास KTM का इस पॉकेट है, इसको भी मैंने पेंट करके इसको एक एज आ वॉल पेंटिंग के यूज़ कर रहा हूँ वॉल पेंटिंग के लिए। तो ये मैंने किया कैसे है मैं आपको देखिए क्लोजअप में बताता हूँ। तो आपको अगर आपके पास कोई पुराना टायर पड़ा है तो उसको कैसे रिसाइकिल करें और इस तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ लगा के उसमें क्रिएटिविटी क्रिएट करके आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज़ ले सकते हैं। तो मैं आपको देखिए क्लोजअप से दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे टायर के ऊपर एक पिंक कलर का जो पिंक कलर है वो मैंने इसको स्प्रे किया था। देन उसके बाद मैंने मार्कर्स लेके इस पे जितने भी यहाँ पे डिटेलिंग्स हो रखी थी, जो भी इसके फॉन्ट्स वगैरह थे टायर पे, जो भी डिटेल्स थी उसको मैंने हाईलाइट किया है मार्कर की यूज़ से। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। और इसके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन होता है मेनली टायर पे, जो हम कॉर्नरिंग करते हैं और उसके लिए ग्रिप के लिए जो बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर भी मैंने मार्कर से देखिए डिटेलिंग की है। तो इसका साइड से आप लुक देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसके ऊपर। तो आप भी इसी तरह से अपने टायर्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर आप बाइक लवर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है, अगर आप बाइक लवर हैं तो ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे पार्ट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये मैं अपनी एक्चुअली अपने जो रूम है, रूम की वॉल पे मैं इसको लगाता हूँ, जो मैं मेरा पर्सनल रूम है मैं उसमें लगाता हूँ। और उसके अंदर देखिए मैं किस तरह से इसको रखता हूँ मैं आपको बता दूँगा, फिर मैं आपको वॉल का भी लुक दूँगा। मैं इस तरह से अपनी वॉल पे इसको लगाता हूँ, बहुत ही बढ़िया लुक लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा। मतलब दूर से जब कोई भी मेरे को देखता है तो मेरे को बोलता है ये तूने क्या लगा रखा है, बट वो लोग नहीं समझेंगे। बट जो बाइकर्स हैं, जो बाइक लवर हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स आती है जब हम अपने पार्ट्स को अपने आँखों के सामने देखते हैं, उनको थोड़ा क्रिएटिवनेस उसके अंदर ला के हम उसको जब देखते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा कि हाँ हम जो चीज़ हम कबाड़े में फेंक देते हैं जिसका हमारा कोई यूज़ नहीं रहता, उसको हम यूज़ करके भी हम दोबारा से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये मैंने टोटली अपने हाथ से खुद स्प्रे किया था, बट उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, बट अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ, खाली बैठा था। तो मैं अपने वैसे भी रूम की सफाई कर रहा था, थोड़ा पेंट वगैरह का काम चल रहा था, तो ये मैंने उसको उतारा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों को ये चीज़ शेयर आउट करूँ। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये थोड़ा बहुत क्रिएटिवनेस जो मैंने करी अपने टायर्स के ऊपर और अपने पॉकेट के ऊपर। और इसी तरह की जो भी बाइक्स के पार्ट्स हमारे यूज़लेस रहते हैं मैं उनको थोड़ा कुछ ना कुछ यूज़ में लाता रहता हूँ और अपने रूम में लगाता रहता हूँ। तो इसी तरह के आइडियाज़ जो भी मैं करता रहूँगा मैं आपसे शेयर आउट करता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर आउट कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जिसके पास ऐसे यूज़लेस चीज़ें पड़ी हैं तो उनको ये वीडियो शेयर आउट ज़रूर करें, ताकि वो देख के अगर इसको फेंकना चाह रहे हों या इसको सेल आउट करना चाह रहे हों तो वो ना करके थोड़ी क्रिएटिवनेस इसके अंदर दिखाएं और इसका यूज़ लें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करना, लाइक करना और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, इस वीडियो पे न्यू हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के आइडियाज़ आपके लिए शेयर आउट करता रहूं और आपको भी थोड़ा इन्जॉयमेंट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।